हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू राज मल्होत्रा आई एस अकेडमी वेलकम टू आर यू पी एस सी एक्सप्लेन सीरीज आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट और एनवायरमेंट में भी अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ इट इज रिलेटेड टू ढोल एंड एशियन वाइल्ड डॉग तो इसके रिलेटेड बहुत ये रिसेंटली न्यूज में आया है बिकॉज एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया के अंदर इसको कंजर्व कर रही हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से इसे कंजर्व किया है और कुछ स्टेट्स हैं जो लैक कर रही हैं इसकी कंजर्वेशन को लेके सो so, क्या क्या चीजें हैं इस ढोल के रिलेटेड ये कहां पे पाया जाता है इसकी हैबिटेट कहां पे है इसका इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनके क्या स्टेटस हैं और इनको ऑनगोइंग थ्रेट्स क्या है और उसके रिलेटेड क्या क्या सोल्यूशंस हमें करने चाहिए सिग्निफिकेंस देखते हुए इन ढोल की क्या है अगर हम अपने इको की बात करते हैं सो इट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इन पेपर सम रैंडम क्वेश्चन ऐसे

ज एशियन वाइल्ड डॉग्स तो बेसिकली इनकी जो हैबिटेट है वो हमें पता चल चुकी है कहां पे है इंड सेंट्रल साउथ एंड ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया जब हम इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हमें कुछ भी स्पीशीज होती है उसका आई यू सी एन स्टेटस पता होना चाहिए तो सबसे पहली बात इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स उसमें ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है जैसे कि आप जानते हैं कि आईयूसीएन के अंदर एक रेड डेटा बुक है जिसके अंदर स्पीशीज को ऑन द बेसिस ऑफ उनको कितना खतरा है उसके बेसिस के ऊपर उनको एक क्राइटेरिया के अंदर डाला जाता है लाइक एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड वल्नरेबल नियर थ्रेटेड िया so, है जिनके अंदर हम बात करते हैं जब आयूसीएन प्लेस करता है अपने स्पीशीज को इन द रेड डेटा बुक बट जब मैं इसकी बात कर रहा हूं यह कौन सी कैटेगरी में आ रहा है इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है तो आई यूसी के अंदर ढोल का क्या रैंक है इट इज अंडर इंडेंजर्ड कैटेगरी और उसके साथ अगर बात करते हैं इंडिया का लॉ जो बेसिकली डील करता है, है शेड्यूल टू के अंदर अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी हमारे अंदर पास छेड्यूल्स है तो उनमें से शेड्यूल वन और शेड्यूल टू के अंदर जो भी स्पीशीज हैं उनको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू के अंदर जो स्पीशीज हैं उनके अंदर मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है दिस पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर और ये किसके अंदर आता है शेड्यूल टू के अंदर और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना उसके अंदर ये आता है अपेंडिक्स टू के अंदर अपेंडिक्स टू के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड है प्रोहिबिट नहीं किया जाता बट रेगुलेट किया जाता है तो क्योंकि इसकी कैटेगरी इंडेंजर्ड अंदर आती है इस वजह से इसको अभी हम कह सकते हैं हाईएस्ट प्रोटेक्शन उतनी नहीं मिल रही है जितनी इसे मिलनी चाहिए क्योंकि साइट्स के अंदर भी किसके अंदर आता है अपेंडिक्स टू के अंदर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी किसके अंदर आता है शेड्यूल टू के अंदर तो ये था ढोल के बारे में जो बेसिक हमें पता होना चाहिए कि हैबिटेट कहां पर है और इसके अंदर बेसिकली इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है नाउ अब ये जो ढोल है इसको ऑन गोइंग थ्रेट्स क्या है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू नो द थ्रेट्स जो इनको प्रोजेस कर रहे हैं अगर हम इको सिस्टम की बात कर रहे हैं अगर हम ढोल को ले इट इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसका पार्ट है ये बायोडाइवर्सिटी का पर जो ढोल है हम हम कह रहे हैं कि बायोडावर्सिटी का पार्ट है और अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी की उसके जो मेजर थ्रेट्स हैं उनमें से एक होता है हैबिटेट लॉस जो बनाता है आगे जाके इविल क्वार्टेट क्या क्या बनाता है 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 वो वो जब हम बात करते हैं threats to biodiversity. तो सबसे बड़ा कारण इसके threat में जो इसकी population को कम कर रहा है, वो भी स्टेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट कॉरिडोर्स देखो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम अनसस्टेनेबल तरीके से फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं जिसकी वजह से जो स्पीशीज वहां पर रह रहे हैं दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट नाउ टू इंश्योर देयर सर्वाइवल जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज की जो हैबिटाट कम होती जा रही है फ्रेगमेंटेटेड होनी शुरू हो चुकी है वह सब कारण क्यों है क्योंकि हमारी ग्रीड बढ़ चुकी है अपनी ग्रोथ को लेकर वी नीड टू चेक हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल तरीके से हो राधर अनसस्टेनेबल तरीके से ना हो तो जो हैबिटाइट लॉस का कारण है अगर हम ज्यादा इसको फोकस करें इट इज ड्यू टू मैन मेड फैक्टर्स इट इज ड्यू टू मैन मेड

जो बेसिकली मेन प्रे है ढोल स्पीशीज के जिसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है रैपिडली डिक्रीज कर रही है ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस

अगर हम बात कर रहे हैं इन ढोल्स को लेके तो ये अगर मैं बात करूं तीन मेजर थ्रेट्स हैं अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू ढोल क्लियर नाउ अगर हम बात करें एक रिसेंटली नई पब्लिश हुई है स्टडी जिस स्टडी को कंडक्ट किसने किया है फ्रॉम द साइंटिस्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ट्रस्ट एंड National सेंटर फॉर बायोलॉजिकल Sciences. इन्होंने बताया है कि डिंगो, ये जो ढोल है हमारा एशियन वाइल्ड डॉग है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स बहुत अच्छे मेजर्स ले रही हैं। तो उसके अंदर इन्होंने बताया है कर्नाटका महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रैंक हाई इन द कंजर्वेशन ऑफ दिस इंडेंजर ढोल इन इंडिया सो दीज ऑफ है ढोल ठीक है जी अब बात आती है कि इन्होंने कैसे इसको प्रोटेक्ट करने की बात करी है कैसे ये तीन स्टेट्स हैं कैसे इन्होंने नई स्कीम्स लगाई जिसके थ्रू वो प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं इस इंडेंजर्ड ढोल को तो उसकी मैं बात करता हूं तो क्या कहती है स्टडी कि दीज थ्री स्टेट्स वर इक्विप्ड टू मेंटेन देयर हाई रैंक्स इन कंसोलिडेटिंग फॉरेस्ट हैबिटेट्स एंड रिकवर ढोल पॉपुलेशन बाय जो थ्रेट था कि प्रे डेंसिटी कम हो रही थी इन्होंने क्या कर दिया उसको

अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा एंड तेलंगाना एंड गोवा उनको कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी वाइल्ड लाइफ सेक्टर्स के अंदर और जो वो इजी तरीके से फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वो उनको कम करना पड़ेगा देखो जब आप किसी चीज को डाइवर्ट कर रहे हो किसी और चीज की तरफ ऑब्वियसली बात है कि आपको ज्यादा सफर करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर तो वही चीज हो रही है कि इनको थोड़ा सा बर्डन कम करना पड़ेगा जितना वो फॉरेस्ट इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी इफ आर टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना एंड गोवा नेक्स्ट इंप्रूविंग हैबिटेट कंडीशन ऑफ सर्टेन अगर हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड उड़ीसा कह रहे हैं अगर हम प्रे डेंसिटी इंक्रीज कर दें और हैबिटेट कंडीशन को इंप्रूव कर दें इन तीन स्टेट्स के अंदर देन इट वुड स्ट्रेंथन द लिंक बिटवीन ढोल पॉपुलेशन बात उसी की हो रही है इन द वेस्टर्न घाट एंड इन द सेंट्रल इंडिया तो स्टडी ने हमें कुछ वो भी बताए हैं प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ये स्टडी बताने की कोशिश कर रही है नेक्स्ट अगर हम मैं बात करूं इसका इकोलॉजिकल रोल को लेके तो इकोलॉजिकल रोल में जब हम बात करते हैं ढोल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज एपेक्स प्रीडेटर्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या एक्ट कर रहे हैं एपेक्स प्रीडेटर्स

इंडिया के अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर गांधी में फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया था इन दर टू थाउजेंड फोर्टीन क्लियर है गाइस तो इसका एक लॉजिकल रोल पता चल गया कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए नाउ अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि ढोल्स की पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे पास अभी भी कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है अगर हम बात कर रहे हैं जैसे टाइगर्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट टाइगर है एलिफेंट के लेके प्रोजेक्ट एलिफेंट है वेल्चर के लिए, हम लिए रिलेटेड हमारे पास प्रोजेक्ट्स है। हैं बट ढोल के लिए हमारे पास कोई नेशन लेवल पे कोई ऐसा प्लान नहीं है जो इस पॉपुलेशन को इनकी जो हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है नो no डाउट हमने अभी इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में बनाया है ब्रीडिंग सेंटर बट वो इनफ नहीं है आने वाले टाइम में वी नीड सर्टेन प्लान्स जो इस की को और जो भी हमारे अगर हम एशियन को, को है। है so वाइल्ड भी कहते हैं very, very अगर हम बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर हम बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को जो खतरे हैं वो इसी को भी इसको भी खतरे हैं और आने वाले टाइम में हमें उसको ठीक करना है सो थैंक यू गाइज दिस वॉज इट फ्रॉम आर टूडेज यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए थैंक यू